हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिशियन के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में पढ़े थे और उसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ रहे थे, जिसमें ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स अधूरे रह गए थे, जिसे हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराकर उसे पूरा कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसे हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में परिचय जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है कई प्रकार के होते हैं, जहां पर जिनका उपयोग होता है वहीं के हिसाब से ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमें एक बैटरी चार्जर बनाना है, तो बैटरी चार्जर बनाने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर हमें वोल्टेज को कम करना होता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि हमें इन्वर्टर में ट्रांसफार्मर का यूज करना है, तो वहां पर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज को हमें ज्यादा करना होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे घरों में स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर में भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि वो स्टेप अप प्रकार का होता है। वो हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा होता है वो वोल्टेज को बढ़ाने का भी कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उसके टाइप होते हैं। ठीक ना, सबसे मेरा पहला पॉइंट रहेगा वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं ऐसे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, पहला क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है आइए से जानते हैं। वह ट्रांसफार्मर जो एसी इनपुट सप्लाई को अधिक या बढ़ाकर हमें आउटपुट प्रदान करता है, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब भी उसमें सप्लाई दिया जाता है ना, तो वो हमें वोल्टेज को अधिक करके प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग होती है, तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में जो क्वाइल की लपेटों की संख्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्वाइल की लपेटों की संख्या से कम होती है। मतलब यहां पर देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं ट्रांसफार्मर का। मान लेते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर से मान लें, तो जो यहां पर ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो है ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है ना, तो अगर मान लेते हैं यहां पर हमारा लपेटों की संख्या 10 है, ठीक, तब सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या 10 से अधिक होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, तब वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग हम इन्वर्टर में करते हैं और अपने घरों के स्टेबलाइजर में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरा दूसरा पॉइंट आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? वह ट्रांसफार्मर जो एसी सप्लाई वोल्टेज को घटाकर कम करके उसे हमें आउटपुट प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, जब प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या मान लेते हैं कि 10 है, ठीक, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या इससे कम होगी, 5 रहेगी,
या 7 रहेगी, समझ रहे हैं ना। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या है उससे सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या कम रहेगी, तो ऑटोमेटिक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम बैटरी चार्जर बनाने में करते हैं, ठीक है। तो हमारे ये आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, हमने इसे समझ लिया। अब हम आते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना के आधार पर, मतलब ट्रांसफार्मर जो बनाए जाते हैं इसके आधार पर ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, पहला पॉइंट होता है उसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। कोर टाइप ट्रांसफार्मर यहां आप देख रहे हैं, ये क्या है, कोर टाइप ही तो ट्रांसफार्मर है, दोनों कोर टाइप है, दोनों में सिलिकॉन स्टील की कोर बनाई जाती है, पतली पतली परतों को लेमिनेटेड करके उसे चिपकाया जाता है, फिर उसे एक मोटा बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, तो वो कोर टाइप वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। सबसे पहला होता है कोर टाइप। कोर टाइप वाइंडिंग में क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की वो कोर के ऊपर की जाती है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए आप, एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसमें वाइंडिंग जो की गई है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर की गई है, दोनों में देख रहे हैं ना आप, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहलाया, ठीक है। इसमें जो फ्लक्स को बहने का एक ही रास्ता होता है, जैसे ये फ्लक्स बह रहा है तो एक ही रास्ता से फ्लक्स बह रहा है, तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ही आते हैं। इसका उपयोग हम हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा आता है मेरा सेल टाइप। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या पेन दिखाई दे रहा है, ये मेरा सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होता है कि जो कोर के ऊपर वाइंडिंग करते हैं ना हम लोग, वो कोर टाइप में करते हैं, सेल टाइप में हम लोग कोर के अंदर वाइंडिंग की जाती है। आप यहां पर देख रहे हैं, ये हमारा ये कोर है, ये सिलिकॉन स्टील का लेमिनेटेड कोर है, इसके अंदर ये वाइंडिंग की हुई है, इसमें आप देख रहे हैं। तो जो कोर के अंदर वाइंडिंग की जाती है ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है ना कि फ्लक्स को बहने के एक से अधिक रास्ते होते हैं। यहां पर देखिए, प्लस इधर से भी बह सकता है, प्लस इधर से भी बह सकता है, मतलब एक से अधिक रास्ते वाले ट्रांसफार्मर में प्लस में सेल टाइप ही आते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग लो वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं मेरा तीसरा होता है फेज सप्लाई के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। फेज सप्लाई के आधार पर, फेज सप्लाई के आधार पर ट्रांसफार्मर के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन। सबसे पहला होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, पहला सिंगल फेज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वैसा ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई को कम या अधिक प्रदान करता है, जैसे कि हमें सिंगल फेज सप्लाई दिए, ठीक ना, तो उसे सिर्फ सिंगल फेज सप्लाई को ही कम और अधिक करे, उसे हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं कि एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं एसी सिंगल फेज देते हैं, तो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में एसी सिंगल फेज ही कम या अधिक प्राप्त होता है हमें आउटपुट, ठीक है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरा मेरा आता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर,
थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें थ्री फेज एसी सप्लाई जो दिया जाता है उसमें, तो हमें थ्री फेज सप्लाई ही हमें कम या अधिक वोल्टेज करके प्राप्त होता है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में तीन और सेकेंडरी वाइंडिंग में तीन, यानी कि तीन प्राइमरी वाइंडिंग और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। और जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तीनों वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग में तीन, सेकेंडरी वाइंडिंग में तीन होती है, तो हम ये वोल्टेज को उसी प्रकार से प्राप्त कराता है। जब ये थ्री फेज जो सप्लाई होती है ये स्टेप अप करने के लिए ही प्राप्त किया जाता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग, ठीक है। और आजकल जो हमारे घरों में सब जगह बाहर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर में, सब जगह थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, कौन कौन आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हुए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसके बाद संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हुए, एक हुआ कोर टाइप और दूसरा हुआ सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक, इसके बारे में अब जाना। और तीसरा होता है मेरा फेज सप्लाई वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं, पहला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो आज मैं अपना क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम अगले दिन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।